भले कुछ खुला हो या ना खुला हो, ऊपर वाले का दिल तो खुला है, इसलिए घर में रहो, शेर खुरमा खाओ, बिरयानी दबा के खाओ और ईद मनाओ। इस साल नए कपड़े नहीं खरीदे तो क्या, वो अगले साल खरीद लेंगे, जिंदा रहे तो अगले साल कम नए कपड़े खरीदेंगे। लेकिन हाँ, Z5 डाउनलोड करना मत भूलना, बिकॉज मैंने तो डाउनलोड कर लिया है Z5, और राधे फिल्म तो ऑसम है, जरूर देखना, मैंने भी देखी है फिल्म। क्या क्या काम करते हैं यार सलमान खान, क्या एक्शन करते हैं सलमान खान, अपने खुद के एक्शन खुद करते हैं, वाह। क्या आपने देखा है सलमान खान अपनी खुद की एक्शन खुद करते हैं? दो हीरो है मेरे ख्याल से, तीन हीरो, जब मैं हूं नाम में थी तो मैंने देखा था शाहरुख अपनी एक्शन खुद करते बिल्डिंग से छलांग लगाना, सलमान खान अपनी एक्शन खुद करते लातवाद घुसे मारना, और अक्षय कुमार कुंफो कराटे किसी को पीटना हो खूब सारा। तो मुझे लगता है कि ये तीनों और कौन, शाहिद कपूर, हाँ हाँ, जब मैं दिल बोले हड़प्पा में भी मैंने देखा था तो विलन को पिटना था, तो शाहिद कपूर भी धनाधन बहुत, और रणवीर, हाँ हाँ, अरे मेरे रणवीर को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये भी खूब पिटते हैं अपने पुराने, अबे पुलिस पकड़ लेगी, चिल्ला रहा है इतना, मेरे को पकड़वाएगा क्या, इतना चिल्ला रहा है ऐसे करते हुए, भाई ऐसा मत करो, तुम देख रहे हो कैसे कर रहे हैं ये लोग, मेरे को देख के चिल्लाते हैं, तो मेरे को तो भूलना पड़ता ना, अरे तेरे को भी पुलिस पकड़ेगी मुझे भी पकड़ेगी। सो दोस्तों प्लीज़ मुझे रिव्यू बताना मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपको राधे कैसे लगी, ऑसम। देखिए एक बात बोलूँ, सलमान खान पे जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो उनके लिए बहुत फालतू कमेंट करते हैं लेकिन वो सुनना नहीं, आपको मालूम है सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद कितना अच्छे देश के लिए काम करते हैं, तो हमारा फ़र्ज तो बनता है, देश की जनता गरीब जनता के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, हमारा फ़र्ज बनता है, क्या हम उनकी एक फिल्म तक नहीं देख सकते, देख सकते। और उन्होंने कहा है कि राधे की पूरी फिल्म का पैसा जो है वो कोरोना पेशेंट सबके लिए वो डोनेट करने वाले, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने खुद बोला है ना, उन्होंने कहा एक पोस्ट आया, अरे भैया लोग मेरी कॉफ़ी दे दो, मेहरबानी करो, ओ हीरो मेरी कॉफ़ी देना भाई, कब कर रहा है, अमेरिका से बन के आ रही है क्या मेरी कॉफ़ी, दुबई में उनका शो खुल गया, हाँ दुबई में खुल गया, हाय काश मैं थिएटर में देख सकती, बट कोई बात नहीं, मैं थिएटर में बैठ के तो नहीं देखी बट टीवी पे एकदम करीब आके देखी तो एकदम थिएटर जैसा ही लुक आता है, मेरा भी बड़ा टीवी है ना, मेरे पास तो बड़ा टीवी है,